अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। तो जी, ये एवरी सैटरडे मोहम्मद हसन के स्कूल में जो है वो प्ले डेट्स रखी जाती हैं, डिफरेंट थीम्स होती हैं, और ये थीम थी जी पूल डे था। और हसन को पानी में और पानी की चीज़ों से बहुत प्यार था, तो हम यहाँ चले गए थे और मैंने छोटे छोटे से कुछ क्लिप्स बना लिए थे, मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर करूँगी। प्ले डेट्स वगैरह में बच्चों को ज़रूर लेकर जाया करें, इससे जो है वो बच्चे के फाइन मोटर्स जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा जो है बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है। सेकंड, अगर आपने अभी तक बच्चे को स्कूल नहीं भेजा है तो अगर आप डिफरेंट टाइप्स की प्ले डेट्स में उसको लेकर जाते हैं तो एक बॉन्ड बन जाता है दूसरे बच्चों के साथ उसका। सो जनाब, ये पहले तो मेरे बेटे को इतना क्राउड पसंद नहीं है, इसीलिए वो सेपरेट जो पूल था छोटा वाला उसी में था। उसके बाद जब सब बच्चे चले गए थे तो वो फिर बड़े वाले पूल में जो है वो आ गया था। और मैंने इस टाइप की डिफरेंट वीडियोस डाली हुई हैं अपने चैनल पे, आप लोग वहाँ पे भी विज़िट ज़रूर कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक डिटेल वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगी। सो यहाँ पर हमने काफ़ी इंजॉय किया और ये रमज़ान से एक वीक पहले की ही वीडियो है जो मैं अब अपलोड करके आप लोगों के सामने एडिट कर रही थी। इसके बाद जो है वो हम इसकी नानी हाउस चले गए, वहाँ पे गए और वहाँ पे हमने चाय के साथ रिफ़्रेशमेंट्स थी कुछ, और मैके की चीज़ों का तो फिर अपना ही मज़ा आता है। जनाब, ये सारे क्लिप्स जो हैं वो रमज़ान से पहले के हैं और इतना भी टाइम नहीं मिल सका कि मैं ये पहले ही अपलोड कर लूँ। खैर, मेरी तरफ से फिर से रमज़ान मुबारक। ये वीडियो अपलोड करने का मकसद मेरा ये था आपको केसरिया की कलेक्शन दिखाने का। अगर अभी तक आपने अपने बच्चों के कपड़े नहीं लिए हैं ईद के, स्पेशली गर्ल्स के, बेबी गर्ल्स के, यहाँ से ज़रूर आप देखिएगा और यहाँ बहुत अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा ईद के लिहाज से यहाँ पर गरारे और फ्रॉक्स हैं, बहुत ही अच्छी कलेक्शन थी केसरिया की। ज़रूर ट्राई करिएगा वहाँ पे और ज़रूर विज़िट भी करिएगा। और मॉल आएँ और ये सब कुछ ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपने मॉल आना है या शॉपिंग पे कहीं किसी भी मॉल जाना है, आपने सबसे पहले अपने बच्चों को राइड्स दिलवानी हैं, उसके बाद जो है वो उनको फूड कोर्ट पे लेकर जाना है, उसके बाद उनको फ्राइज़ खिलाने हैं, उसके बाद जो है वो उसके बाद कहीं जाके आपने अपनी शॉपिंग करनी है, ठीक है। उसके बीच बीच में भी कुछ ना कुछ जो जो नज़र आता रहता है आपने वो भी करना है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि हम लोगों ने क्या शॉपिंग की आज। मैंने कुछ हसन के कपड़े लिए और ये आपके सामने मैं वो दिखा रही हूँ। ऐसी कैजुअली मुझे कुछ चाहिए थे, इसके कपड़े अच्छे भी लग गए थे, मैंने ये ले लिए शॉर्ट्स, क्योंकि गर्मी आ चुकी हैं कराची में भी। तो हमने केसरिया से लिए है मेरी नीज़ के दो ड्रेसेस, भाभी के साथ में गई। पहला था ये वाला और इसके साथ जो है ये गरारा स्टाइल था, बड़ा प्यारा सा क्यूट सा था। और ये है सेकेंड रेड कलर का और इसका थोड़ा इस टाइप का जो है वो फैब्रिक है और इसका प्रिंट जो है इसके ऊपर कैमल वगैरह बने हुए, फार्म थीम्स थी। और ये है जी इसका छोटा सा पाउच, प्यारा सा। इसके अलावा हमने आज ट्राई किए हैं मटका राइस और जो है ये हमने लिया थे हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट से। आइए मैं आपको ये चेक करके बताती हूँ कि ये कैसा रहा। मैं तो फर्स्ट टाइम ही ये मटका फ्राइज देखे थे और आज ट्राई किए। इसके अंदर चिकन थे, फ्राइज़ और बहुत सारी चीज़, इसके अलावा जो है शिमला मिर्च वग़ैरह। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छा था ये। और यहाँ पे हम कर रहे हैं कुछ ड्राइंग आजकल जो है वो पेंसिल ग्रिपिंग एक्सरसाइजेस मैंने स्टार्ट करवाई हुई हैं इसको घर में, ताकि पेंसिल ग्रिप अच्छी तरह कर सके। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।